नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अभी और आप देख रहे हैं टेक अनबॉक्सिंग। एंड यस गाइस, अंडर 15,000 प्राइस ब्रैकेट रियलमी नार्जो 60X लॉन्च हो चुका है। ये एक 5G डिवाइस है विद 50 मेगापिक्सल का कैमरा, 120 हर्ट्ज का डिस्प्ले, 33 वॉट्स का फास्ट चार्जिंग कैपेबिलिटी, ढेर सारे और भी फीचर्स एंड फंक्शंस है। सारी चीजें वीडियो में जानेंगे। चैनल पे फर्स्ट टाइम हो तो क्या कर रहे हो यार, जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कीजिए एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइस, सबसे पहले यहाँ पे हम देखेंगे बॉक्स कंटेंट्स को। सो गाइस, कुछ इस तरीके का बॉक्स पैकेजिंग आपको देखने मिलता है। एंड बॉक्स के अंदर वो एक्चुअल फोन, एक ट्रांसपेरेंट सिलिकॉन केस, एडिशनल पेपर वर्क, पावर चार्जिंग ब्रिक एंड टाइप ए टू टाइप सी चार्जिंग एंड डेटा केबल आपको देखने मिलती है। सो यहाँ पे फिजिकल ओवरव्यू की अगर मैं बात कर रहा हूँ ना, तो हमारे पास ये जो वेरिएंट है ना, ये है स्टेलर ग्रीन कलर में। एंड बैक है ना, आपको टेक्सचराइज देखने मिलता है। डिफरेंट डिफरेंट एंगल पे आप देख सकते हो, यहाँ पे टेक्सचराइज इफेक्ट आपको देखने मिलते हैं। एंड यहाँ पे राउंड बड़ा सा कैमरा मॉड्यूल उन्होंने प्रोवाइड किया है। बिल्ड जो है कंप्लीटली पॉलीकार्बोनेट की यहाँ पे आपको देखने मिलता है। वही रेगुलर पोर्ट्स उन्होंने प्रोवाइड किए। 3.5mm का जैक आपको देखने मिलता है। सिम कार्ड स्लॉट में आप दो सिम कार्ड एक मेमोरी कार्ड इंसर्ट कर सकते हो। पावर ऑन बटन में ही आपको फिंगरप्रिंट स्कैनर देखने मिलता है, जो बहुत ही रिस्पॉन्सिवली यहां पे वर्क करता है। सो गाइस, प्राइस पॉइंट के हिसाब से बिल्ड क्वालिटी इस स्मार्टफोन की मुझे बहुत ही बढ़िया लगी। डिस्प्ले की अगर मैं बात करूं तो यहां पे उन्होंने 6.72 इंच का फुल एचडी प्लस एलसीडी डिस्प्ले प्रोवाइड किया है, जहां पे आपको 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट देखने मिलता है। फोन बहुत ही ज्यादा स्मूथ फील होता है जब भी आप इसे यूज कर रहे हो या फिर इसके अंदर गेमिंग कर रहे हो। एंड यस, यहां पे जो कलर्स है ना डिस्प्ले के, बहुत ही वाइब्रेंट निकल के आते हैं। एंड यहां पे हमने वाइड वाइन सर्टिफिकेशन चेक किया, वाइड वाइन L1 आपको देखने मिलता है। OTT प्लेटफॉर्म्स पे आप फुल एचडी कंटेंट को बहुत ही बढ़िया तरीके से एंजॉय कर सकते हो। यूट्यूब में भी यहां पे आप 2K एट 60fps का कंटेंट बहुत ही बढ़िया तरीके से देख सकते हो। एंड यहां पे ब्राइटनेस की अगर मैं बात करूं तो 618 निट्स की पीक ब्राइटनेस आपको देखने मिलते हैं। इंडोर्स एंड आउटडोर्स विजिबिलिटी बहुत ही बढ़िया निकल के आएगी। एंड यस, यहाँ पे जो बेजल वाला पार्ट है ना, वो भी काफी मिनिमल आपको देखने मिलता है। बॉटम बेजल थोड़ा बहुत थिक आपको देखने मिलेगा। सो यस गाइस, डिस्प्ले भी यहाँ पे सुपर्ब निकल के आता है। प्रोसेसर की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे आपको मीडियाटेक का डिमेंसिटी 6100 प्लस प्रोसेसर उन्होंने प्रोवाइड किया है। ये एक 5G बेस्ड प्रोसेसर है। हमारे पास जो वेरिएंट है वो है 6GB LPDDR4X RAM के साथ 128GB का UFS 2.2 स्टोरेज। सो यहाँ पे जो रीड एंड राइट स्पीड है ना, ऑन एन एवरेज आपको 500 MBPS की देखने मिलते हैं। गाइज, यहाँ पे ये 6GB वेरिएंट है, 6GB आप एक्सपांड कर सकते हो, टोटल 12GB ऑफ रैम आपको देखने मिलेगा। एंड यस, यहाँ पे हमने कुछ बेंचमार्क टेस्ट इसके अंदर रन किया। एंटीटू में यहाँ पे हमें 4,33,000 के स्कोर्स देखने मिल रहे थे। CPU थ्रॉटलिंग में 91% की मैक्स परफॉर्मेंस। सो गाइस, CPU एज सच यहाँ पे थ्रॉटल नहीं करता है। गेमिंग की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे हमने BGMI गेम इसके अंदर खेला था, जहाँ पे हमें स्मूथ में अल्ट्रा के सेटिंग्स देखने मिल रहे थे। एंड यस, यहाँ पे आप देख सकते हो ऑन एन एवरेज हमें 40fps के फ्रेम रेट्स यहाँ पे देखने मिल रहे थे। नो डाउट गाइस, गेम बहुत ही स्मूथली यहाँ पे वर्क कर रहा था, कोई भी लैग एज सच हमें महसूस नहीं हुआ। एंड उसी के साथ कॉल ऑफ ड्यूटी गेम भी यहाँ पे हमने खेला। कॉल ऑफ ड्यूटी गेम के अंदर यहाँ पे हमें 60fps के फ्रेम रेट्स देखने मिल रहे थे। ये गेम नो डाउट बहुत ही स्मूथली यहाँ पे वर्क कर रहा था। एडिशनली यहाँ पे आपको गेम मोड का ऑप्शन देखने मिलता है। प्रोसेसर को आप प्रो मोड में यहाँ पे सेट कर सकते हो एंड ढेर सारे कस्टमाइजेशंस भी कर सकते हो। एंड यस, यहाँ पे सेंसर्स की अगर मैं बात करूँ, रिक्वायर्ड जितने भी सारे सेंसर्स है वो आपको देखने मिलते हैं, इंक्लूडिंग जायरोस्कोप। जायरोस्कोप को यहाँ पे हमने टेस्ट किया था BGMI गेम के अंदर। एंड थोड़ा बहुत लैग मुझे यहाँ पे महसूस हुआ BGMI गेम के अंदर, तो मैं सजेस्ट नहीं करता स्मार्टफोन के साथ कोई जायरोस्कोप यूज करके गेमिंग करे। एंड फिर हम बढ़ते कैमरा की तरफ, तो रेयर में 50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा आपको देखने मिलता है, 2 मेगापिक्सल का पोर्ट्रेट कैमरा। एंड फ्रंट में उन्होंने 8 मेगापिक्सल का कैमरा प्रोवाइड किया है। रेयर कैमरा की हेल्प से 1080p एट 30fps में वीडियो रिकॉर्डिंग आप कर सकते हो। गाइस, ये जो पर्टिकुलर फुटेज है ना, ये हमने आउटडोर्स में रिकॉर्ड किया है 1080p एट 30fps में। एंड यहाँ पे ना आपको डिसेंट सी स्टेबिलाईजेशन देखने मिलते हैं। एंड यस, वीडियो डिसेंट यहां पे कैप्चर हो जाता है। एंड यहां पे फ्रंट कैमरा की हेल्प से भी आप 1080p एट 30fps में वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हो। ऑलरेडी हमने एक वीडियो फुटेज रिकॉर्ड किया है, प्ले करता हूं उस पर्टिकुलर फुटेज को। सो गाइस, ये जो पर्टिकुलर वीडियो है ना, मैं फ्रंट कैम से रिकॉर्ड कर रहा हूं 1080p एट 30fps आउटडोर्स में। एंड यस, यहां पे आपको कैमरा की आईडिया आ जाएगी, स्टेबिलिटी का आपको पता चलेगा एंड ऑडियो क्वालिटी का भी आपको पता चलेगा। एंड यहाँ पे हमने 50 मेगापिक्सल हाई रेजोल्यूशन मोड में इंडोर्स एंड आउटडोर्स में इमेजेस को कैप्चर किया है। नो डाउट गाइस, काफी हाई डायनेमिक रेंज के इमेजेस यहाँ पे आपको देखने मिलते हैं। एंड यहाँ पे आप कुछ पोर्ट्रेट इमेजेस भी देख सकते हो। पोर्ट्रेट इमेजेस भी इंडोर्स एंड आउटडोर्स बहुत ही बढ़िया यहाँ पे निकल के आते हैं। एंड यस, यहाँ पे आपको सेल्फी इमेजेस देख सकते हो इंडोर्स आउटडोर्स नॉर्मल एंड पोर्ट्रेट मोड में। कैमरा वाला पार्ट अच्छा है, बस वही वीडियो रिकॉर्डिंग में 60fps का ऑप्शन होता तो बेटर हो सकता था, बट इमेजेस बहुत अच्छे कैप्चर कर लेता है ये डिवाइस। बात तो सही है।
एंड अभी हम बढ़ते हैं सबसे क्रूशल एस्पेक्ट की तरफ, जो है इसका ऑपरेटिंग सिस्टम। आउट ऑफ द बॉक्स यहाँ पे आपको रियलमी यू आई 4.0 उन्होंने प्रोवाइड किया है, जो यहाँ पे बेस्ड है एंड्रॉइड वर्जन 13 पे। नो डाउट गाइज, यू आई वाला पार्ट स्मूथ फील होता है, बट येस, टन्स एंड टन्स ऑफ प्री इंस्टॉल एप्लीकेशन यहाँ पे आपको देखने मिलते हैं। ढेर सारे एप्लीकेशन को यहाँ पे एक एक करके मैंने अनइंस्टॉल कर दिया है। एंड येस, उसके अलावा भी यहाँ पे आपको हॉट ऐप एंड हॉट गेम्स के सेक्शन देखने मिलते हैं। उसे डिसेबल करने के लिए आपको यहाँ पे जाना है ऐप स्टोर में, एंड यहाँ पे सेटिंग्स में जाके आप उसे डिसेबल कर सकते हो। एंड उसके बाद जो ऑपरेटिंग सिस्टम वाला पार्ट है ना, नो डाउट बहुत ही ज़्यादा स्मूथ यहाँ पे फील होता है। ये थोड़े बहुत कस्टमाइजेशन आपको करने पड़ते हैं, बट उसके बाद यूआई डेफिनेटली स्मूथ आपको फील होगा। एंड यहाँ पे स्पीकर की अगर मैं बात करूँ तो सिंगल फायरिंग स्पीकर आपको देखने मिलता है। सो यहाँ पे सैम्पल ऑडियो प्ले करते हैं साउंड क्वालिटी सुनने के लिए। सो गाइस, सिंगल फायरिंग स्पीकर के हिसाब से साउंड आउटपुट बढ़िया निकल के आता है। मेरे हिसाब से डुअल फायरिंग अगर होता तो मज़ा ही आ जाता। एंड यस, बैटरी की अगर मैं बात करूँ तो स्टैंडर्ड 5000 mAh की बैटरी आपको देखने मिलते हैं। 33 वॉट्स का फास्ट चार्जिंग कैपेबिलिटी भी उन्होंने प्रोवाइड किया। एंड डेफिनेटली गाइस, 5000 mAh एक दिन तक इसकी बैटरी लाइफ फॉर श्योर चलेगी। एंड फाइनली हम बात करते हैं कनेक्टिविटी को लेकर। 5G डिवाइस है, डुअल 5G सिम सपोर्ट आपको देखने मिलता है, ब्लूटूथ वर्जन 5.2 भी यहाँ पे उन्होंने प्रोवाइड किया है। सो वैसे तो गाइस, वीडियो में हर एक एस्पेक्ट के बारे में यहाँ पे हमने डिस्कस किया। एंड यस, रियलमी नार्जो का ये डिवाइस लॉन्च से पहले ये वीडियो मैं शूट कर रहा हूं, मुझे इतना पता है अंडर 15,000 प्राइस ब्रैकेट ये लॉन्च होने वाला है, बट मेरे हिसाब से ऐसे मुझे लग रहा है कि ये डिवाइस है ना लगभग कुछ 12,500 रुपए की प्राइस में लॉन्च होना चाहिए। एंड अगर उस पर्टिकुलर प्राइस में लॉन्च होता है तो नथिंग लाइक दैट वैल्यू फॉर मनी डिवाइस, डेफिनेटली मैं इसे बोल सकता हूं। वैसे गाइस, जब तक ये वीडियो लाइव जाएगी प्राइसिंग आपको पता चल चुकी होगी, तो आपको ये डिवाइस कितना वैल्यू फॉर मनी लगता है नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। एंड जितने भी सारे रिक्वायर्ड लिंक्स हैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएंगे। एंड गाइस, बस यही था आज का वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, और ऐसे ही टेक रिलेटेड अनबॉक्सिंग के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। और दोस्तों, और एक इंपॉर्टेंट बात, प्लीज़ हमारा फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम पेज भी लाइक कीजिए। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।